हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टैली की एक और टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टीडीएल फाइल भी टैली की बाकी सभी टीडीएल फाइल्स की तरह एक अमेजिंग टीडीएल फाइल है। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से हम सिंपल एक ही क्लिक में अपने गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने टैली के सारे डाटा का फाइनल अकाउंट देख सकते हैं। यानी हम सिंपल एक ही क्लिक में अपने फाइनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो उसकी मदद से हम अपने ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट की प्रेस करते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं और लास्ट में इसी तरह हम अपनी बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं टैली की कौन सी अमेजिंग टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली के एक एडवांस टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से हम गेटअप ऑफ टैली में अपने एक न्यू ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। इस ऑप्शन की मदद से हम टैली के अंदर अपनी सारी रिपोर्ट्स को सिंपल एक ही जगह पे एस्केप की प्रेस करते हुए देख सकते हैं। यानी जैसे हम इस टीडीएल फाइल को लोड करेंगे हमारी गेटअप ऑफ टैली में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो जाएगा जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें हमारा ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा और जैसे हम स्किप की प्रेस करेंगे उसके बाद हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा और तीसरी बार जब हम स्किप की प्रेस करेंगे तो वहीं पर हमारे को हमारी बैलेंस शीट भी शो हो जाएगी। यानी सिंपल एक ही टीडीएल फाइल की मदद से हम अपनी तीनों की तीनों रिपोर्ट्स को स्किप की प्रेस करते हुए देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं और उसके बाद आपको टीडीएल फाइल यूज़ करके दिखाएंगे जिससे आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और सिक्योरिटीज़ वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ से आपको इसका पूरा नाम ही कॉपी करना, नहीं तो टीडीएल फाइल वर्क नहीं करेगी। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर के अंदर आने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो होगा मैनेज लोकल TDL, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए और नीचे वाला ऑप्शन में आकर उस TDL फाइल को यहाँ पे पेश कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते देखेंगे यहाँ पर हमारी TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो ये देखते हैं कि TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए आप गेटअप ऑफ टैली में सबसे नीचे की तरफ देखेंगे हमें एक नया ऑप्शन शो हो रहा होगा फाइनल अकाउंट। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही अब इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो सिंपल या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने हमारा ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमारे को हमारी सारे की सारे रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि यहीं से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना चाहते हैं तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एस्केप की प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारे सामने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो जाएगा। तो सिंपल एक ही क्लिक में हम यहाँ से अपने ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। अब हम चाहते हैं कि यहीं से हम अपनी बैलेंस शीट को भी देखें तो आप अगेन एक बार दोबारा से अपने एस्केप की को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे हम तीसरी बार अपने एस्केप की को प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी शो हो गई। तो इस TDL फाइल की मदद से सिंपल हम एक ही क्लिक में अपनी तीनों की तीनों रिपोर्ट को एक ही जगह पे देख सकते हैं। फाइनल अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा ट्रायल बैलेंस शो होगा, स्केप की प्रेस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो होगा और फिर से स्केप की प्रेस करेंगे तो यहीं पर हमारे को हमारी बैलेंस शीट भी शो हो जाएगी। तो टैली की काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है। तो अगर आप टैली की इस एडवांस TDL फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू टैली की ये और बाकी सारी TDL फाइल्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास टैली की काफ़ी सारी अमेजिंग TDL फाइल्स हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको टैली, ईवे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।